केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा व उसके साथियों द्वारा कल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में किसानों को गाड़ी से रौंदकर दिन दहाड़े उनकी बर्बर हत्या करने की घटना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हिमाचल किसान सभा की चौतरा ब्लॉक कमेटी ने किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में चौतरा में प्रदर्शन किया तथा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर किसान सभा ब्लॉक कमेटी की सह सचिव एवं बीडीसी सदस्य नीलम वर्मा, वरिष्ठ किसान नेता भगत राम वर्मा, धनवंती देवी व संजीत कुमार प्रकाश चंद, संतोष राजेश कुमार, राजकुमार नीशु देवी, राम सिंह, सीमा देवी, मथुरी देवी, देशराज, सुमना देवी, बीना देवी, सुन्नी देवी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र तेनी के बेटे और उसके गुंडे साथियों ने जिस बेखौफ तरीके से ये कातिलाना हमला किया वह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एक गहरी साजिश दिखाता है। अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले की भूमिका बना चुके थे। ये संयोग नहीं कि उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ लट उठाने और हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से ये साफ हो जाता है संवैधानिक पदों पर बैठे ये व्यक्ति अपने पद का उपयोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अन्नदाता के विरुद्ध सुनियोजित हिंसा के लिए कर रहे हैं। ये कानून, संविधान और देश के प्रति अपराध है। इसलिए केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध हिंसा उकसाने और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का मुकदमा दायर किया जाए। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, मोनू और उसके साथी गुंडों पर तुरंत 302 हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस वारदात की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT द्वारा की जाए। संवैधानिक पद पर रहते हुए हिंसा के लिए उकसाने के दोषी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित कुशाल भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसान व आम जनता विरोधी तीनों कृषि कानून तुरंत निरस्त कर देने चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए खेती किसानों को तबाह करने वाले ये तीन कानून लाए गए हैं। पूरा देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ है, लेकिन मोदी सरकार इन कानूनों को किसान हितैषी बताकर देश की जनता को गुमराह करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक है तथा किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग के खिलाफ भी लेबर कोड लेकर आई है। साथ ही देश के उद्यमों और साधनों को भी पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। जनता पर महंगाई की मार, काले कानूनों से बार और चहेते पूंजीपतियों पर उपकार को देश की जनता सहन नहीं करेगी। इस अवसर पर नीलम वर्मा व भगत राम ने कहा कि इन नीतियों के खिलाफ पूरे ब्लॉक में भी किसानों को संगठित किया जाएगा तथा किसानों के हितों के लिए एकजुटता से संघर्ष किया जाएगा। हिमाचल किसान सभा की तरफ से अभी चौतरा में हमने वीडियो साहब के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है और आज पूरे देश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, जैसा कि सबको मालूम है, कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जहां पर किसान पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं देश के अंदर, तो वहां पर भी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर जो है मंत्री जी के बेटे हैं, जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं अमित मिश्रा, उनके बेटे अभिषेक मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिससे 6 किसानों की जो है मौत होगी और 7-8 लोग उसमें घायल हुए हैं। और उससे कुछ दिन पहले उन्हीं मंत्री महोदय ने, जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि
इन किसानों को हम जल्दी जो है सेट करेंगे। और जो धमकी मंत्री जी ने दी थी कल उनके बेटे ने उसको जो है पूर्ण कर दिया। हमारी मांग ये है कि ऐसे मंत्री को पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो उनके बेटे हैं अभिषेक मिश्रा, उनके खिलाफ और उनके जो गुंडे दोस्त हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ 302 का यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण की जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर के इसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ जुड़ता है कि कुछ दिन पहले ही जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये ऐसी एक धमकी दी थी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनको भी पद पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमारी किसान सभा की टीम, जिसमें हमारे यहाँ से BTC के मेंबर भी हैं, नीलम वर्मा जी वो भी हैं, किसान सभा के ये नेत्री हैं, भगत राम जी हमारे वरिष्ठ किसान सभा के नेता हैं, धनवंती जी हैं जो वहाँ की यूनिट की प्रधान है हमारे गांव के, और उसके साथ साथ संजीव जी हैं, बाकी हमारे और जो कार्यकर्ता हैं, हमने यहाँ पर जो ज्ञापन भेजा है। और अगर इन मांगों के ऊपर अमल नहीं होता तो आने वाले दिनों में इस लगभग पेश करेंगे। लेकिन हम ये भी मांग करते हैं कि तीन काले कृषि कानून हैं उन तीनों कानूनों को जो है वापस लेना चाहिए। तीनों काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ MSP का एक कानून जो है बनाया जाना चाहिए। ये जो है किसान मोर्चे की मांग है, जो किसान मोर्चा बना हमारी जो किसान सभा की मांग है, और इसको लेकर के हम निरंतर जो है लड़ते रहेंगे। पूरा देश का किसान सड़कों पर है और आगे भी हम जो है इसके लिए लड़ते रहेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब।